कोविड-19 के नए वेरिएंट के विश्व के कुछ देशों में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड राज्य में समय रहते ही तैयारियां करनी शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में सभी चिकित्सा इकाइयों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पतालों की आवश्यक सेवाओं, ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर का जायजा लिया। राजधानी के कोरोनेशन अस्पताल में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अफसरों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि नए साल पर आ रहे पर्यटकों के लिए रैंडम जांच की कोई व्यवस्था नियमों के हिसाब से नहीं की गई है, लेकिन लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और हरियाणा से जल्द ही कोविड वैक्सीन की नई खेप उत्तराखंड भी आने वाली है। तो ये तमाम जानकारी आज दी गई सचिव के द्वारा। के अलग अलग अस्पतालों में जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही कोविड तैयारियों पर। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार पहले दिन से ही जब से ये बात आई कि केस बढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं और सब नया निरीक्षण किया है, सर क्या आपने हॉस्पिटल्स में निरीक्षण किया और क्या कहेंगे? आज भारत सरकार द्वारा मॉक ड्रिल का डेट दिया गया था, तो इसी क्रम में हमारी पूरी मेडिकल टीम मुस्तैद है और हमारे 700 ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जहां पे हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सिलेंडर्स और पीएसए प्लांट हमारे रखे गए हैं। तो इन सब का निरीक्षण किया जा रहा है और इसी क्रम में मेरे द्वारा कोरोनेशन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया और यहाँ पे जो पीएसए प्लांट है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और कॉन्सेंट्रेटर हैं, सभी फंक्शनल पाए गए। सर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मार्च में या जनवरी के बाद वेव जो है वो पीक पकड़ सकती है, इसको लेकर उत्तराखंड में कितनी तैयारी है और आपको क्या लगता है कि लोगों को कितना सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए हमारी तैयारी पूरी है और कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के अफवाह पे विश्वास ना करें, ना अफवाह फैलाएं और हमारी सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। और किसी को कोविड लाइक सिम्टम्स या फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना परीक्षण कर लें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर फोकस होगा, पर कई सेंटर्स पर वैक्सीन ही नहीं है, लोग वापस लौट जा रहे हैं, सचिवालय के सेंटर पर भी वैक्सीन नहीं है, तो कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी या लोग बाजार से भी खरीद सकते हैं? जो देखिए जो वैक्सीन्स हमारे हैं, एक तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसको कोविन पोर्टल से हमने बाहर रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है, सबके लिए रखा हुआ है। कतिपय कुछ जनपदों से ये इश्यूज आए थे तो वहाँ पे हमने कोविशील्ड के वैक्सीन हमने भेज दिए और लगभग 7,000 हमारे पास कोवैक्सीन के डोसेस हैं, वो जिलों में वैक्सीनेशन का कैंपेन फिलहाल चल रहा है। सर 31st का सेलिब्रेशन बड़ा होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो क्या बॉर्डर्स पे, रेलवे स्टेशन पे, ISBT पे क्या आप लोग कोई रैंडम व्यवस्था करने जा रहे हैं या कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस कैंप चलाने जा रहे हैं ताकि लोग उत्सव तो मनाएं पर सावधान भी रहें? देखिए अभी फिलहाल कोई रैंडम टेस्टिंग इत्यादि के निर्देश नहीं है। भारत सरकार से जैसे गाइडलाइंस प्राप्त होंगे हम उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यात्री वेलकम हैं, लेकिन जो भी कोविड के जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, आप उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उसका अनुपालन कड़ाई से पालन करें, किसी भी प्रकार का अफवाह ना फैलाएं। तो ये थे सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार, जिन्होंने साफ कहा है कि अफवाहों से बचना होगा और साथ ही जो कोविड के जनरल प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। ये देवभूमि है, यहाँ अतिथियों का स्वागत है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए आज सिर्फ उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश में मॉक ड्रिल आज की गई और इस दौरान जांचा गया कि अगर कोरोना के केसेस अगर हमारे देश में भी बढ़ते हैं तो किस तरीके की तैयारियां हैं। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिली हैं आज? जिसको लेकर आज उत्तराखंड के जो सचिव हैं स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार, ये कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे थे। कोरोनेशन अस्पताल में उन्होंने व्यवस्थाओं के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर का जायजा लिया, कोविड को लेकर जो अलग ब्लॉक बना था उसका जायजा लिया और इसके बाद मीडिया से बातचीत की है। उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी सामने आई है, वो भी इस आधार पर क्योंकि भारत सरकार नए साल से कोविड वैक्सीन जो मुफ्त देने वाली थी वो स्कीम बंद कर रही थी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशी जो मुल्क हैं जैसे चाइना, जापान, सिंगापुर और आसपास के इलाकों में कोविड केस बढ़ने पर एकाएक ऐतिहासिक तौर पर बूस्टर जो डोज है उसकी डिमांड बढ़ी। तो उत्तराखंड में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की, तो लोग बड़ी संख्या में बूस्टर डोज लगवाने आए और इस बीच एकाएक इसकी शॉर्टेज नोटिस हुई है। सचिव आर राजेश कुमार का कहना है कि हरियाणा से और अतिरिक्त डोज मंगाई जा रही है और आज शाम से लेकर कल शाम तक ये डोज मिल जाएगी। इसके बाद जो
वैक्सीनेशन की जो बूस्टर वैक्सीनेशन की ड्राइव है इसको और तेज किया जाएगा। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन तेज किए जाने के साथ साथ लोगों को और अधिक जागरूक किया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। हमने ये भी एक सवाल किया कि 31 तारीख को सेलिब्रेशन के लिए, हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आते हैं तो क्या उनको रोककर कोविड टेस्ट या उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जांची जाएगी। इस पर उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई बाध्यकारी कदम नहीं है लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड में फिलहाल कोविड को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्या केसेस आ रहे हैं वहां पर? जी देखिए, जो नया वेरिएंट है उसका भी कोई भी केस उत्तराखंड में प्राप्त नहीं है और नए केसेस में कुछ राज्यों में इजाफा हुआ है देश के, पर वो केरल आदि राज्य हैं। उत्तराखंड में कोई बहुत बड़ा ऐसा लार्ज लेवल पे नंबर में इजाफा नहीं है जो चिंताजनक या चिंता की स्थिति पैदा करे, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है क्योंकि जो सचिव स्वास्थ्य हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने भी लोगों से यह अपील की है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक रहने की, यथासंभव भीड़भाड़ वाले स्थान पर मास्क लगाने की और बेवजह घूमने की या बेवजह मार्केट में जाने की हरकतों से भी बचना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं तो वायरस चल ही रहा है और प्रसार होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लिहाजा अलर्ट रहने की भी जरूरत है। ठीक है, लगातार आप बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे।